नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। आज आपको ये प्रोजेक्ट वन शुरू करने जा रहा हूँ। जो पुराने दोस्त यार हैं जिन्होंने पुराने मेरे चैनल पे देखते थे 5 Share 300 Days में, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट वन चालू किया था, जिसमें मैंने 10% अचीव किया था 52 days में। अभी मुझे नहीं पता है कि मैं कितना, लेकिन जैसा आपको नाम पता है कि 5 Share 300 Days में हमेशा लिखता हूँ कि मैं 5 shares बाई करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे 10% को मिनिमम 300 days में कर दें। डेफिनेटली आप उसमें से कई लोग बोलेंगे कि यार आपने तो 20% बोला था पीछे कुछ, उसमें डेफिनेटली 20% हो जाते हैं, बट हम देखेंगे कि हम 10% कितने दिनों में अचीव कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। तो ये एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हैं, आप चाहो तो आप फॉलो कर लो। इसमें सिंपल है, मैं इसको अंडू कर चुका हूँ एक्चुअली, तो अब अंडू करूंगा सब कुछ, मैंने डिलीट किया है। तो आप एक्सेल शीट को बना सकते हैं और इसमें आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से 5 शेयर आज खरीदे हैं। ये खरीद लिए हैं अभी, जो प्राइस होगी हो सकता है आधे घंटे पहले जो प्राइस थी, यानी मैंने करीबन 9:25 पे खरीदे थे और अभी 9:54 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर नीचे हो गए होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको तभी बोला पूरे दिन में आप बाई कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशन मैं देता हूँ वो मैं इंट्राडे के लिए नहीं देता हूँ कि आपको एकदम एक एक सेकेंड का फर्क पड़ जाएगा। आप पूरे दिन में कभी भी बाई कर सकते हैं, या एक या दो दिन के, मतलब आप 24 आवर्स में आप कभी भी बाई कर लो, आपको ऑन एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, मेरा ये कहना है। हाँ, शेयर मार्केट में ये हमेशा होता है कि कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, विद इन अ सेकंड सब कुछ चेंज हो जाता है। एक न्यूज आई, एक ट्वीट आया, पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। सो जितनी जल्दी हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको जैसे मेरा वीडियो आया एटलीस्ट आप उस टाइम पर चेक करके 5 शेयर खरीद सको और ये एक्सेल शीट मेंटेन करो। तो हम चलते हैं कि आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है इस एक्सेल शीट में। तो अभी सीरियल नंबर पहला आपको करना है, शेयर करना है, शेयर मतलब जो शेयर मैं बाई करूंगा उसका मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब आप देखिए स्टार्ट डेट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आज खरीदूंगा तो मुझे आज की डेट चाहिए, तो मुझे पता रहना चाहिए क्या। तो ये आज पहला दिन है इसलिए स्टार्ट डेट है, और उसके बाद तो एवरेज आपको आएगा। मैं 5 शेयर खरीदूंगा, उनको अलग से दिखाऊंगा, फिर उनको इसमें ऐड करूंगा, इस पर्टिकुलर ये मेन शीट आएगी इसमें ऐड करूंगा, एवरेज आउट आपको प्राइस पता चल जाएगा। क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्वांटिटी खरीदता हूँ, बाई प्राइस आज की प्राइस क्या है जिसपे मैं खरीद रहा हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बाय प्राइस, एवरेज प्राइस कितना होगा, यानी जो अगर बाय चांस ये पिछला है, आज पहला दिन है तो एवरेज प्राइस तो नॉर्मल मैंने निकाल के डाल दिया है जो एवरेज प्राइस है। उसके बाद टोटल करंट वैल्यू, यानी तो एवरेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जो क्वांटिटी है, तो उसके कारण मुझे टोटल करंट वैल्यू मिलेगी कि मेरे प्राइस की वैल्यू क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस INR में जो दिखेगा कि मुझे कितने का प्रॉफिट है। परसेंटेज गोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला 10%, तो ये 10% पे फिक्स रहेगा और मैं हर प्रोजेक्ट में 1% पर मेरा गोल बढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बढ़ाऊंगा नहीं, मैं घटाऊंगा हो सकता है कहूंगा, मैं डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए मैं क्यों इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, आपका बस कह दीजिए आप 10 सेकंड चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आप जितना बड़ा रखते हो ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है। और मेरा मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं फॉलो करता हूँ साइन वेव को, साइन वेव में अगर आप एवरेज देखोगे तो अच्छे स्टॉक हैं जो कभी कभी -3% जाते हैं, कभी कभी +3%, अगर उनका परसेंटेज देखोगे तो वो 3% में घूमते रहते हैं, राइट। तो मैं एवरेज दिखा दूंगा कि एवरेज कितना ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट का टारगेट 10% है, आज के टाइम पर मैं इनको 10% पर लेके चल रहा हूँ कि इन शेयर्स को मैं 10% पर बेचूंगा, बाई करूंगा, खरीदूंगा, लेकिन आगे हो सकता है मैं इन परसेंटेज को जो यहाँ पे इस शीट पे परसेंटेज है इसको कम करूंगा, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट का परसेंटेज मेरा 10% रहेगा कि मैं 10% उसको अचीव कर लूँ। नहीं समझे, समझ जाओगे ठीक है। नेट चेंजेस टोटल कितना चेंजेस हुआ है, गोल मेरा अचीव हुआ कि नहीं अचीव हुआ, उसको क्लोज कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, आज की डेट और कितने दिन हो गया, यानी मैंने जब शुरू किया था जब बाई किया था और आज के दिन में कितना हो गया, तो मुझे वो पता चलेगा। तो अब चलते हैं पहले शेयर्स पे। पहला शेयर मेरा है, आज का रिकमेंडेशन है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, स्टार्ट डेट है 27 जून आज का, और क्वांटिटी 3 लिया है मैंने, बाई प्राइस मेरी एवरेज थी 1.1510 टोटल। सो इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं 4 रुपए का है, परसेंटेज गोल 10% है, नेट चार्जेस में नेट चेंजेस 0.72 है, गोल मेरा येट टू अचीव 10% अचीव होने का है, टुडेज डेट और ये डेट है। अब इस पे टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ आगे की चीजों को, उसको तो आप कर ही लेंगे नेक्स्ट टाइम से। आज के सेकंड शेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड शेयर है मेरा गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जो आज खरीदा है मैंने, उसकी भी मैंने 3 क्वांटिटी खरीदी है, बाकी आपको फास्ट करके दिखा देता हूँ।
तीसरा मेरा शेयर है आज का, वो है ज्योति लैब्स, जिसको आज मैंने खरीदा है। देखिए मेरे पास ये मेरे टॉप फाइव नहीं थे आज के, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये मेरे टॉप फाइव नहीं थे आज के जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये इनको ऐड किया क्योंकि ये मेरे पास पीछे नहीं है, यानी मेरे पास पुराने शेयर ये नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट दिखा सकूंगा आज। यार आप आज बिगिन कर रहे हैं तो आप कैसे कितना अचीव कर सकते हैं। कल से मैं पुराने शेयर भी ऐड करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि बेटर है कि आप टॉप के साथ ही जाओ, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं वो शेयर ऐड करूं जो नहीं है, बट अगर नहीं ऑप्शन रहेगा तो मैं टॉप फाइव में चला जाऊंगा, भले वो होंगे। मैं यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखा दूंगा कि बाई में इतना कर रहा हूँ, पुराना इतना मेरे पास है और वो कर दूंगा। तो आज का चौथा रिकमेंडेशन है महिंद्रा महिंद्रा, जिसने 52 वीक्स के हाई को टच किया है आज। तो हो सकता है आपने पहले भी मेरे स्टॉक करके देखे होंगे, तो मैंने बहुत अच्छे से रिकमेंड किया था कि महिंद्रा महिंद्रा बाई कर लीजिए। एंड पांचवा मेरा स्टॉक है मैंगलोर रिफाइनरी, ये बीच में मुझे 70% प्रॉफिट दे चुका है एक महीने पहले ही, और फिर से मैंने वापस इसको अभी ऐड किया। ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है लेकिन ये बहुत ही अच्छा एवरेज दे रहा है। अभी का ये हो गया है ये पूरा आज की शीट मेरी, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है ये है, और ये गोल एवरेज इतना होता है, तो ये एवरेज निकला है, लेकिन हो सकता है कि ये ना हो, ठीक है। आपको मैं दूसरा दिखा देता हूँ कि आज के टाइम पे मेरा कितना हो। अभी देखिए ये प्राइस चेंज हो गया, राइट, ये प्राइस चेंज हो गया और ये टोटल अभी का अचीव हो चुका है। ये आज के जो बाई है, ऐसा नहीं कि मैंने वहां पे आपको दिखा दिया और यहाँ पे बाई नहीं किया, ये मेरे बाई है और आज के अभी का स्टेटस ये है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो, आगे से फिर से मिलेंगे।